जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आपसे कुछ दिन पहले महाविशालकाय दूध सागर झरने को कैप्चर करने के लिए मैंने गोवा की ओर यात्रा की थी। और जब मैं गोवा पहुंचा तो मुंबई की ओर और बाकी चारों तरफ की ट्रेनें रद्द होती चली जा रही थी, क्योंकि भयंकर बाढ़ आई हुई थी। ऐसे में मुझे लोगों ने मना किया कि मुंबई मत जाओ, पर मैंने भी सोचा जब इतना पानी बरस रहा है तो ये नज़ारा कैसा होगा। इसके लिए मैंने अपनी मुंबई की ओर यात्रा शुरू कर दी। ये यात्रा बहुत ही शानदार थी, बहुत ही रोमांचक थी। इसके कुछ पल मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे बहुत अच्छे लगे। नीचे जो पानी का भराव है उसे आप देख के समझ सकते हैं कि कितनी बरसात हुई होगी इस यात्रा के दौरान। और ये कोंकण की यात्रा इतनी सुंदर थी कि थोड़ी थोड़ी देर में भारतीय रेलवे की बनाई गई शानदार सुरंगें आ रही थीं। दोनों तरफ ट्रैक के पानी भरा हुआ था। लगातार हम कई झरनों को पार कर रहे थे। बड़े बड़े और लंबे ब्रिजों को हमने पार किया, जिनसे पार करते समय नीचे देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। अगर आप इन ब्रिजों से ध्यान से देखें तो नीचे बहती हुई नदियां बहुत ही सुंदर लग रही थीं। ऐसे में एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मेरी आँखों के सामने आया। इसे अब आप लोग देखिए सुरंग से निकलने के बाद। और ये रास्ता इतना सुंदर था कि मैं आप लोग को अभी शब्दों में बता नहीं सकता हूँ, इसलिए मैंने पूरी जर्नी का वीडियो बनाया है गोवा से लेकर मुंबई तक, जो कि जल्द ही चैनल में आएगा। और ये यात्रा हमारी बहुत ही सुंदर होने वाली है, क्योंकि हम इसमें कई सुरंगों को पार करने वाले हैं जो कि बहुत लंबी हैं। मतलब 3-3, 4-4 मिनट ट्रेन हमारी टनल के अंदर ही रहेगी। और हम बहुत सारी सुंदर नदियों को पार करेंगे। लगातार बारिश के कारण घर डूबे हुए थे, कई जगहों स्टेशन में काफ़ी ज़्यादा पानी भर चुका था। तो ये जर्नी बहुत ही शानदार होने वाली है, जल्द ही चैनल में आएगी। लेकिन इससे पहले कल सुबह 10 बजे आप लोग को मैं एक वीडियो दिखाऊंगा जो कि कोंकण रेलवे का सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन है। अगर आप लोग गेस कर सकते हैं इस क्लिप को देख करके, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइए ये कौन सा रेलवे स्टेशन है। क्योंकि ये रेलवे स्टेशन मुझे मेरी पूरी यात्रा में सबसे सुंदर लगा। इस रेलवे स्टेशन की खासियत ये है कि दोनों तरफ इसके टनल हैं और बीच में ट्रेन छोटे छोटे झरनों को पार करती हुई गुजरती है। इस स्टेशन को देखने के लिए कल सुबह 10 बजे चैनल पे ज़रूर आइएगा। स्टेशन का नाम और इस स्टेशन की कवरेज आपको ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही था। हम आने वाले वीडियोज़ में फिर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।